हेलो गाइस वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी तो लास्ट यूनिट हमारा यूनिट फाइव बायो फार्मास्यूटिक्स ठीक तो इस वीडियो के अंदर हम टोटली पूरा कंप्लीट कर, कर देंगे हमारा यूनिट फाइव ठीक है अब तक हमने जो है ना नॉन लीनियर फार्माको को डिस्कस किया था ठीक है पिछले वीडियो में मैंने उसके नोट्स भी जो न, है ना अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो इस वीडियो के अंदर हम माइकल्स मेंटेन इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन ऑफ द के एम एंड वी मैक्स वैल्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर ठीक इन शॉर्ट और इन डिटेल जो आपके एग्जाम के लिए चाहिए मैं सिखाऊंगा आपको और नोट जो है ना अपलोड कर दूंगा तो माइकल्स मेंटेन इक्वेशन होते क्या है देखिएगा इस मेटाबोलिज्म इज द ओनली पाथवे ऑफ एलिमिनेशन द रेट ऑफ मेटाबोलिज्म और एलिमिनेशन इज डिफाइंड बाय द माइकल्स मेंटेन इक्वेशन मेनली ये माइकल्स मेंटेन इक्वेशन जो है ना ये एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है मतलब ड्रग कितना एलिमिनेट हो रहा है ड्रग कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है अगर वो आपको जानना है तो आपको माइकल्स मेंटेन इक्वेशन का अप्लाई करना पड़ेगा ठीक द काइनेटिक्स ऑफ द सैचुरेबल प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय माइकल्स मेंटेन इक्वेशन सैचुरेबल प्रोसेस मतलब हमने यहां पढ़ा था नॉन लीनियर फार्मो के अंदर ड्रग अब्जॉर्बशन का सैचुरेट होना देन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का सेचुरेट होना ड्रग मेटाबॉलिज्म का सैचुरेशन होना मतलब अगर उससे ज्यादा अगर आप ड्रग देंगे वो ड्रग ना ऑब्जॉर्ब होगा ना डिस्ट्रीब्यूट होगा ना एलिमिनेट होगा उसी को हम कहते हैं सैचुरेशन खत्म मतलब ड्रग उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता सैचुरेट हो चुका है वो ठीक या मेंटेन uh, इक्वेशन क्या कहता है माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स सी डिवाइडेड बाई के एम प्लस सी आप पेन और आपके नोट्स लेके बैठ जाइए क्योंकि ये पूरा जो है ना एक मैथमेटिकल टाइप है आपको बस लिख के रट के याद करना है ठीक देन वे डीसीडी होता है क्या है रेट ऑफ ऑफ डिक्लाइन ड्रग रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा ठीक वीमैक्स होता है क्या है यहाँ याटिकल मैक्सिमम रेट ऑफ द प्रोसेस है एंड के एम ये माइकल्स कॉन्स्टेंट है हम आगे थ्री सिचुएशन कैन नाउ बी कंसिडर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ के एम एंड सी के एम एंड सी इन दोनों के वैल्यूज के ऊपर हम आगे के तीन इक्वेश डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारा के एम इज इक्वल टू सी जब थेरेटिकल रेट कॉन्स्टेंट इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन के तो क्या होगा अंडर दिस सिचुएशन द इक्वेशन रेड्यूज टू मतलब इक्वेशन वन जो है ना ये हमारा इक्वेशन वन रेड्यूज टू डी सी बाई डी टी इज़ इक्वल टू वी मैक्स अपॉन टू यहां करना कुछ भी नहीं है केएम की जगह आपको सी लिख लेना है ठीक है यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहां के एम है वहां आपको सी लिख लेना है जब आप के एम की जगह सिक्स सी लिख लेंगे देखिए वी मैक्स सी डिवाइडेड बाय सी प्लस सी तो ये क्या होगा हमारे इक्वेशन वी मैक्स सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी टू सी हो जाएगा सी सी कैंसल हो जाएगा तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू मैक्स बाई टू ठीक है मतलब इसका मतलब होता क्या है द रेट ऑफ प्रोसेस ये मतलब ये डीसी बाई डी द रेट ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू वन हॉफ ऑफ इट्स मैक्सिमम कौन मैक्मम रेट ये प्रोसेस रेट ऑफ प्रोसेस जो है ना डीसी बाई डी टी किसी इक्वल है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट ठीक है तो ग्राफ की मदद से हम देखते हैं गाइस ये ग्राफ जो है ना हमारा ये ग्राफ डी सी बाई डी टी मतलब डोज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन पर बना हुआ है यहाँ देखिए इनिशियली जो है ना यहाँ रेट क्या होता है इनिशियली इंक्रीजेस रहता है मतलब फर्स्ट ऑर्डर कैनेडी दिखाता है उसके बाद में क्या होता है ये जैसे आप ड्रग डोज ड्रग देंगे मतलब डोज आप इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा वो क्या होगा हमारा मिक्सड ऑर्डर पर पहुंच जाएगा मतलब मिक्सड ऑर्डर रेट एट द इंटरमीडिएट डोजेस थोड़ा मिडल डोज के अंदर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है ना वो क्या होगा मिक्सड ऑर्डर में पहुंच जाएगा ओके okay? उससे ज्यादा अगर आप डोज देंगे तो वो क्या होगा इट एट कांस्टेंट रेट उससे ज्यादा अगर दोगे तो क्या होगा वो कांस्टेंट रेट प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारा जीरो ऑर्डर रेट एट हाई डोजेस जिसे हम कहते हैं ये जो है ना ये वी मैक्स है. है ना वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक डोज हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है वेन के एम इज मच मोर ग्रेटर देन सी तब क्या होगा हियर के एम प्लस सी जो है ना आपको के एम प्लस सी इज इक्वल टू के एम एंड द इक्वेशन वन रेड्यूस टू माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स सी अपॉन के एम एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूं जब आप के एम इज मच मोर ग्रेटर देन सी लेगे तब आपको करना कुछ नहीं है वी मैक्स बाई सी है ना होल डिवाइडे बस के एम आपको लिख लेना है क्योंकि के एम यहां ग्रेटर दिखा रहा है के एम ग्रेटर दिखा रहा है देन द सी तो यह सी की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे ठीक इसलिए जो है ना v मैक्स c डिवाइडेड बाई के एम आपको लिख लेना है यहाँ c की वैल्यू आपको जीरो लिख लेना है छोड़ देना है ठीक है देन जब के एम इज लेस देन c होगा तो आपको यहाँ केएम की वैल्यू जो है ना निग्लेक्ट कर देना है छोड़ देना है तो बस आपको c लिख लेना है तो यहाँ क्या होगा के एम प्लस सी इज इक्वल टू सी इक्वेशन वन हमारा होगा माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स वी मैक्स सी जो है ना यहाँ पर सी है वो सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे सी और सी कैंसल होकर सिर्फ वी मैक्स बचेगा

ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब आप आईवी डोज देंगे तो ठीक समझ रहे हो वेरी गुड तो यहां आपको फार्मूला मैं दिखाता हूं माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई के एम प्लस सी ठीक है ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा माइकल्स मेंटेन का इक्वेशन है जहा यहां हमने डिस्कस किया था उसको ये देखिए डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स सी डिवाइडेड बाय के एम प्लस सी वही इक्वेशन को मैंने यहां लिख लिया है नेक्स्ट देखते हैं केएम एंड वी मैक्स फ्रॉम स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जब आप केएम एंड वी मैक्स को स्टडी करेंगे स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पर तो आपको क्या दिखेगा व्हेन अ ड्रग इज गिवन कंटीन्यूअसली और इन अ मल्टीपल डोज इट रिटेचेस अ स्टडी लेवल इन द बॉडी कॉल्ड सीएसएस जब आप ड्रग कंटीन्यूअसली ओके इन अ मल्टीपल डोज आप देंगे वो ड्रग जो है ना स्टडी लेवल पर पहुंच जाएगा बॉडी के अंदर मतलब कांस्टेंट रहेगा स्टडी रहेगा ठीक है उसी को हम क्या कहते हैं स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और ये लेवल को मेंटेन करने के लिए यहां जो है ना डोजिंग रेट का फार्मूला एंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला दिया गया है डी आर के डोजिंग रेट कहते हैं इज इक्वल टू सी एस एस एंड सी एल टी मतलब टोटल क्लियरेंस एंड सी एस एस मतलब यहां स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ओके स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन एट स्टडी स्टेट द डोजिंग रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिक्लाइन स्टडी स्टेट के अंदर क्या होता है गाइज डोजिंग रेट जो है ना वो इक्वल रहता है किसके वो इक्वल रहता है डिक्लाइन रेट ऑफ डिक्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के रेट ऑफ डिक्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल रहता है ये हमारा डोजिंग रेट डोजिंग रेट किसके इक्वल रहता है रेट ऑफ डिक्लाइन रेट ऑफ डिक्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मतलब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर कम होता है डिक्लाइन होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा डोजिंग रेट के मतलब आपको डोजिंग रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाना है जैसे जैसे बॉडी के अंदर ओके okay, जैसे जैसे बॉडी के अंदर प्लाज्मा के प्लाज्मा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे आपको डोज देना है कंटिन्यूसली उसी पर मेनली डिपेंडेंट रहता है इफ़ द रिमोल इज लिमिटेड अगर रिमूवल लिमिट रहा ओके लाइक मेटाबॉलिज्म वी यूज अनदर फार्मूला ठीक अगर रिमूवल लिमिटेड रहा तो मेटाबॉलिज्म में फिर एक और फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है डी आर इज टू वी मैक्स सी एस एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस सी एस एस ये आपको ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ जो है ना ये कर्व है फॉर अ ड्रग विथ नॉन लीनियर काइनेटिक ऑप्टेन बाय प्लॉटिंग द स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डोजिंग रेट डोजिंग रेट और स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन पर ये ग्राफ को बनाया गया है जैसे जैसे आप डोज को इंक्रीज देंगे मतलब यहाँ देखिए यहाँ स्टडी स्टेट बन गया आपका मतलब सेम कितना भी डोज आप इंक्रीज करो तो ये क्या रहेगा स्टडी रहेगा कॉन्सेंट रहेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द ड्रग बिहेव ओवर टाइम वी नीड टू मेजर इट एट अ स्टडी स्टेट विद डिफरेंट डोसेज मतलब अगर हमें मेजर करना है अगर हमें जानना है कि कैसे ड्रग जो है ना बिहेव कर रहा है ओवर टाइम बॉडी के अंदर जैसे जैसे टाइम बीतेगा किस तरीके से ड्रग बिहेव कर रहा है अगर वो आपको जानना है तो आपको स्टडी स्टेट स्टडी करना होगा डिफरेंट डोजेस की तो अगर ये आपको चाहिए मतलब ड्रग टोटल यहाँ हम पढ़ते क्या है वी मैक्स और के एम की जरूरत किस लिए होती है बिकॉज टू स्टडी द डोजिंग पैटर्न बॉडी के अंदर कितने देर तक ड्रग रह रहा है बॉडी के अंदर ड्रग कितने देर तक रह रहा है उसको बाहर जाने के लिए कितना समय चाहिए ओके तो वो पूरा पैटर्न स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं माइकल सीमेंटेन टोटली ये मेटाबोलिज्म और एलिमिनेशन के बेस पर है ओके तो टोटली मेटाबोलिज्म और एलिमिनेशन तो वैज़ ये हो गया हमारा माइकल सीमेंटेन इक्वेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ द के एम एंड वी मैक्स वैल्यू जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर वैस नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू हैव अ नाइस डे